नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। और आज हम हैं कवर्धा में, और कवर्धा ऐसे भी चुनाव के मामले में या छत्तीसगढ़ की राजनीति के मामले में एक बड़ा केंद्र रहा है। सदैव कवर्धा की बात होती रही है, चाहे हम भाजपा की बात करें तो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के वो कवर्धा से ही आते हैं, इसलिए भाजपा की राजनीति भी यहाँ गहरी राजनीति रही है और प्रदेश स्तर के लोगों का यहाँ हमेशा नजर बना रहता है यहाँ की राजनीति में। लेकिन इस बार कांग्रेस के कामों को लेकर बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है, खास करके कवर्धा विधानसभा में या कहें कि कबीरधाम जिले में, क्योंकि यहां की राजनीति में कुछ इस कदर का माहौल है जिसे मैं यदि कहूं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां गम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, कुछ ऐसी ही स्थिति यहां कबीरधाम के कांग्रेस की हो गई है। कबीरधाम के कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं होरी राम साहू, वो एक लेटर जारी करते हैं जिसमें 10 लोगों के सहित प्रदेश के युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य तुकाराम चंद्रवंशी का भी नाम होता है, और उन्हें उनके नाम के साथ ये लिखा जाता है कि इन्होंने पार्टी के विरोधी के साथ काम किया है और पार्टी की गतिविधियों के विरोध में काम किया है, इसलिए इन्हें इस बार के चुनाव में जो इनकी काम की शैली को देखते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। ऐसा एक लेटर कल देर शाम वायरल होता है, फिर यहाँ की राजनीति फिर से गर्मा जाती है, लोग कई कई किस्म के बातें करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह यानी कि आज सुबह एक और लेटर आता है, होरी राम साहू का ही दस्तखत उस पर होता है, लेकिन उसमें नाम बदल गया रहता है। उस बार नाम होता है जो क्षेत्र की राजनीति के पहले कबीरधाम के जो अध्यक्ष रहे हैं महेश चंद्रवंशी, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी हैं वर्तमान में, जो पिछली सरकार में वो सदस्य भी रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के, उनका नाम होता है। और लाइनें वही होती हैं, सिर्फ नाम बदल जाता है कि इन्होंने भी पार्टी के गतिविधियों के विरोध में काम किया है, इसलिए इन्हें भी 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अब जब हम बात करने की कोशिश करते हैं इन निष्कासित लोगों से, तो हमें बातचीत, वो किसी कैमरे के सामने बातचीत तो नहीं करते, लेकिन उनका कहना है कि किसी से प्रभावित होकर हमारा निष्कासन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई नोटिस इन्हें जारी नहीं किया गया था, सीधे ही निष्कासित कर दिया गया था। ये रही सुबह की बात। अभी ताजा ताजा एक और लेटर जारी होता है, लेकिन इस बार लेटर कबीरधाम जिले कांग्रेस से नहीं, इस बार लेटर जो जारी होता है वो पीसीसी यानी कि प्रदेश कार्यालय से होता है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी होता है। मलकीत सिंह जो प्रभारी महासचिव हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के, उन वो लेटर जारी करते हैं, लेकिन लेटर जारी होता है होरी राम साहू जिला अध्यक्ष के नाम पर, और उन्हें ये कहा जाता है कि आपने बिना किसी जांच के ऐसा निष्कासन क्यों किया, आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है, आप जवाब दीजिए, और तत्काल जो आपने निष्कासन की कार्यवाही की गई की है उससे सभी को शिथिल करें और पूर्ववत की स्थिति में उन्हें पार्टी में रहने दें, ऐसा एक लेटर में ऐसा कुछ लिखा होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कवर्धा की राजनीति गर्मा गई है। आपको यदि हम निष्कासित जो लोग हैं जिन्हें निष्कासन किया गया था, फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है उनके अनुसार, लेकिन अभी फिलहाल तक की स्थिति में जो होरी राम साहू हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई लेटर जारी नहीं किया है, वर्तमान जब पीसीसी कार्यालय से लेटर आने के बाद तो कोई लेटर जारी नहीं किया है, लेकिन जिनका निष्कासन उन्होंने किया था उनके बारे में यदि मैं बता दूं तो एक शख्सियत है तुकाराम चंद्रवंशी, जो खुद दावेदार थे पंडरिया विधानसभा से और एक उसी क्षेत्र से आते हैं पंडरिया से, और वर्तमान में वो पिछली बार जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तब उन्हें पार्टी ने अधिकृत नहीं किया था, फिर भी वो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़े थे, और चुनाव लड़ने के बाद वो पुनः पार्टी में सक्रिय दिखाई दिए, फिर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बनाए गए और वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं, और लगातार वो चुनाव के दौरान जुड़े रहे हैं। नीलकंठ चंद्रवंशी जो प्रत्याशी रहे उनके साथ मंचों पर भी दिखाई दिए हैं, और उससे पहले राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा में भी वो दिखाई दिए हैं। तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, इसलिए क्षेत्र में उनका प्रभाव तो देखा जाता है, लेकिन उनका निष्कासन होना सवाल खड़े करता है कांग्रेस की गतिविधियों पर, और कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, कहीं कांग्रेस अपने अंतर कलह से तो नहीं जूझ रही है।
ये सवाल खड़ा होता है। उसके बाद महेश चंद्रवंशी का भी निष्कासन आना और सवाल आग में घी डालने का काम करता है। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी अब चुटकी लेने लगी है। बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने तंज कसा, आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस में भी कुछ प्रत्याशी उनके जो वो हैं कार्यकर्ता उन्हें निष्कासित किया गया है और बाद में फिर एक और निष्कासन या उसको वापस लेने का पत्र जारी हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस अपनी हार को देख के बौखला गई है, इस बात से प्रमाणित होता है कि अभी तो मतगणना हुई भी नहीं है और कांग्रेस अपने 10-11 प्रमुख नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी कर रही है। और मुझे लगता है ये कांग्रेस कवर्धा जिले में अपने इतिहास को दोहरा रही है। इससे पहले भी एक बार ऐसे ही प्रमुख नेता के निष्कासन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की कुर्सी हिल गई थी, उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया था। मुझे लगता है कांग्रेस कहीं इस दिशा में फिर से तो नहीं बढ़ रही है। क्या कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपनी कुर्सी को बरकरार रख पाएंगे? आज का यक्ष प्रश्न तो यही है। क्या भाजपा में भी कुछ ऐसे जो विरोधियों की बात आई है, क्या उन्हें भी कुछ उनके ऊपर कार्यवाही होगी? क्योंकि आपके अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि भाजपा में भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो ऐसा कुछ आपकी पार्टी से भी होने का है कुछ? ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है और अनुशासनहीनता बाकी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। लेकिन जहां तक कवर्धा जिले की बात है, यहां दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत की है सरकार में वापसी के लिए और अपने विधायक प्रत्याशियों को जिताने के लिए। इसलिए इस जिले में इस प्रकार की कोई बात मुझे सुनाई नहीं दे रही। बीजेपी के मीडिया प्रभारी जसविंदर बग्गा जो साफ तौर पर मजे लेते हुए नजर आए और एक और कार्यवाही की उन्होंने जो बात की वो इससे पहले की कार्यवाही है, जब एक समय ऐसा था जब रामकृष्ण साहू जो जिला पंचायत के सदस्य थे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने एक यहाँ के वरिष्ठ नेता को इसी तरीके से निष्कासित कर दिया था। उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि उन्होंने प्रदेश बॉडी को इसकी सूचना नहीं दी थी और सीधे ही उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उनका निष्कासन कर दिया। बाद में उस निष्कासन को वापस लिया गया और देर होते तक सीधे ही पार्टी ने जिलाध्यक्ष को ही पार्टी से निकाल दिया। वर्तमान में वो बीजेपी में जुड़े हुए हैं रामकृष्ण साहू। कहीं ऐसी स्थिति इस बार हो रही राम साहू की ना बन जाए, इस बात की चर्चा भी लोग कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में अब ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी को एक और रामकृष्ण साहू होरी राम साहू के तौर पर मिलने वाला है। हालांकि ये समय बताएगा कि अब आगे यहां की राजनीति कैसे बदलेगी, लेकिन 3 तारीख का इंतजार फिलहाल सभी लोगों को है। 3 तारीख को गणना होनी है और गणना के पश्चात निर्णय आएगा और देखने वाली बात यह होगी कि इस बार मोहम्मद अकबर अपनी सीट बचा पाते हैं कवर्धा में या इस बार भाजपा के विजय को विजय तिलक मिलता है। और वहीं पंडरिया विधानसभा की हम बात करें तो पंडरिया विधानसभा में भावना बोहरा खड़ी हुई है नीलकंठ चंद्रवंशी के खिलाफ, जहां की राजनीति इस बार गरमाई हुई है। तो हम 3 तारीख को उसका इंतजार आपको भी है, हमें भी है। आप लोग तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ तक में, पल पल की खबरें हम आप तक, राजनीति के तमाम पेच उठा पटक की खबरें आप तक लेकर आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।